मैं DI रिटायर हूँ, हरियाणा सरकार से पेंशन लेता हूँ। ससुराल में घी बुरा खान में स्वाद नहीं आया, जितना मैंने अंगली चाट लगवाया इतना मैंने नौकरी में स्वाद नहीं आया जितना पेंशन लेने में आवे। पेंशन भी एक दिन चौ दिन थूक ला के गिन रही, मगर रहन दे 35 साल तक मेरी तनख्वाह का थूक लाया, मैं चुप रहा। या तो पेंशन इसका क्यों थूक लावे? एक बात का आप तजर्बा करना मेरे कैसे, मेरी प्रार्थना पर, आप अपने घर में जोर जोर से हंसिए, पड़ोसियों के पेट में गोला हो जाएगा। अब पता नहीं साला ने के पाए रहा तड़के के दांत रहे पाए रहे, भाई हंसने पे कोई टैक्स थोड़ा है। अब यहाँ लीला सैनी बैठी है जो मेरे साथ चंद्रावल में डांसर बहुत अच्छी कलाकार यहाँ बैठी है जजमेंट में। अब मेरे से निकला मलिक साहब क्या हाल है, मगर जी मेरी उम्र थी पूछने की हाल चाल जी तो पूछा नहीं। हम हंसते बहुत हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो फिल्मी दुनिया में लड़कियां आती हैं, मैं ये समझता हूं कि जिसका करैक्टर मजबूत है ना वो फिल्म में आ सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हम जिसका करैक्टर लेस है उसका हम लेते भी नहीं फिल्म में, ये ध्यान रखिए हमारा। कुछ लोग हमें अच्छे नजर से नहीं देखते। या लीला मेरे कंधे का हाथ लाए, मलिक साहब क्या हाल है, मगर कंधे का हाथ ना लावे क्यों, मगर मेरे खाज लाग रही जोर रहो मेरे तय। हमें हरियाणा की हाजिर जो अभी बड़ी चीज है, बात में से बात निकालना इनकी आदत है, इनकी फितरत है। मैंने हिंदुस्तान को देखा, हर प्रांत को देखा, लेकिन जो हंसी मैंने हरियाणा में पाई मैंने किसी प्रांत में नहीं पाई। ये हरियाणा का सौभाग्य है, यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने ज्योतिषर में उपदेश दिया गीता, ज्योतिषर में तो गीता का उपदेश, और ये यूनिवर्सिटी ये ज्ञान का उपदेश यहाँ मिलता है, यहाँ सब बिकता, तहजीब बिकती है, यहाँ शिक्षा बिकती है, यहाँ किलकारी नहीं बिकती, ये यूनिवर्सिटी है। चांदनी रात का मिजाज न पूछ, ये हम गरीबों के घर नहीं आती, ये कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी है, यहाँ सकून से बैठ, कोई आफत इधर नहीं आती, यहाँ सिर्फ शिक्षा आती है। आओ तो ठीक है, कदे ताऊ कह ला के जो अच्छी बात है। अच्छा लीला जी की फरमाइश है, ये मेरी बहुत इज्जत करती है क्योंकि हमने कई फिल्मों इकट्ठे काम किया। नुकला की जी मेरा मन पसंद वो चुटकुला सुना दो, कमाल है। मैंने कहा जी चलो इसको कोई याद होगा, या मेरा ढकनी में चून गलवाओगी क्यों, मेरी घरवाली यहाँ बैठी और मैं घर की बात बताऊंगा। आप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले को ना भाई, तुम तो आऊं आऊं में रह जाओगे जिंदगी में, आऊं आऊं नहीं है। एक दिन हमारी घरवाली बर्तन साफ करी तो मैं दूर बैठा कुछ लिख रहा था, वहीं से आवाज आई सुनियो जी, मैं कहा हाँ जी। दरअसल जितनी जमात मेरी घरवाली पढ़ रही इतना ही मैं पढ़ रहा, वह मैंने घर में जी का आकर मैं उसने जी का आकर फिर मेरा घर में जी ला गया रहा है। मैं कहा हाँ जी, तो वह बाल्टी पानी की ठाकर मेरे द्वारा दे रही हो, मेरा बड़ा अच्छा उठा। मैंने कहा भगवान तना चार बालकों को जन्म दिया, हर जापे में 18-18 किलो देसी घी दिया, 72 किलो खा के, और तू उड़े से बाल्टी ठाक है अपने दुरिंदर सक दी लै। मैं कहा तू मैंने 5-10 किलो घी खुआ दे और किक्कर की खुची भरवा दे, वह जड़ते तो पट पर साले की हला जरूर दूंगा। ओड़े तो हाथ पुन जी आई अक मैंने तो 72 किलो घी खा के 4 शेर जन्म दिए, ले अपने 8-10-80 किलो घी खुआ, एक मकौड़ा जाम के दिखा दो। मैं तो चुपचाप उठा और बाल्टी उसके दूरे देर के और हाथ जोड़ के बोला भगवान यू डिपार्टमेंट तो नहीं बने रहो, मेरे बस की बात नहीं।
चुटकले बनाए नहीं जाते, ये आपके पास ही बनते, मेरे ही बनते हैं। हम तो नखून टेढ़ा बांध रहे, आप पता नहीं कहाँ छोड़ देते हैं। एक चौधरी का टोटा आ गया, खान नान कुछ रहा, उन्हें सोचा नाश हो गया, मर गया, क्या करूं। उन्हें सोचा पोल्ट्री फार्म खोल ले, अंडे बेचूंगा, अमीर बनूंगा। कुलक्षेत्र माया 100 मुर्गी ले गया खरीद के, गांव में बंद कर दी। रोज उन्हें काजू खुआवे, कभी कुछ खुआवे, काजू के साथ में अदरक लावे, रसगुल्ले लावे, सेब लावे। चार दिन तक उन मुर्गिया ने कोई अंडा नहीं दिया। चौधरी बड़ा हैरान, बड़ा नाश हो गया। पहले टोटे मरुदा चार दिन एक अंडा नहीं दे रही, मेरा तो यू उरे भी नाश होगा। सान ने कहा सुनो मुर्गियों, मेरी सेवा में कोई कमी रहेगी एक ना? कोई नहीं रहेगी। या तो कल अंडे दे दियो, अनि तुमने कटवा के या देख लो पेवे के प्लेटा मेरे होटला में गलवा दी, मैं ध्यान कर कल न कटूंगा जोर तुमने। सारी मुर्गी साहब ने सिर जोड़ लिया, कल ने तो हम कटेंगी। साहब ने बतला के तड़के देखा चौधरी गया, एक एक मुर्गी ने चार चार अंडे दे रखे। चौधरी बड़ा राजी हुआ, एक कून में बैठी उन्हें एक अंडा दे रखा, ओढ़ी गया कड़ा डूब के मर गया। सब ने चार चार अंडे दिए, तू एक दे रखा तेने, तेरे को शर्म नहीं आई? कड़ा शोकर मान, तेरे डर के मारे मैंने एक अंडा दे दिया, मैं मुर्गी कोने, मैं तो मुर्गा हूँ।